अगर हौसला बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है, फिर चाहे वो कोई बड़ी परीक्षा ही क्यों न हो। कुछ ऐसी ही बड़ी कामयाबी को हासिल कर दिखाया है बरेली की एक दिव्यांग छात्रा ने, जो अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकती है, जिसके न हाथ काम करते हैं, लेकिन महिमा ने पहली ही बार में नीट की परीक्षा पास कर ली और अब वो वेटरनरी डॉक्टर बन जानवरों की सेवा करना चाहती है। हस्ती मुस्कुराती इस छात्रा का नाम है महिमा शाह, जो जन्म से ही दिव्यांग है और पूरी तरह से अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों पर निर्भर है, पर फिर भी इसने पहली बार में ही नीट की परीक्षा पास की है। उसकी इस सफलता पर परिवार फूला नहीं समा रहा, घर में मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इस छात्रा ने नीट की परीक्षा के लिए पीएम मोदी से राइटर की मांग की थी, उसकी मांग स्वीकार करते हुए उसे राइटर मिला, जिसके बाद उसने नीट की परीक्षा दी। दरअसल बरेली की IBRI में जॉब करने वाले शैलेंद्र शाह की 18 साल की दिव्यांग बेटी महिमा सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से ग्रसित है। बीमारी के चलते उसके हाथ और पैर काम नहीं करते, इसीलिए उसका सारा काम उसकी माँ और उसके पिता करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने नीट क्वालिफाई करा। मैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रही थी और मैं मोदी जी को भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना जल्दी रिस्पांस दिया। मैं मेरा रूटीन था, 5 आवर्स में स्टडी करती थी और मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे स्टैंड करते थे। महिमा को सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी जन्म से है, यहाँ तक कि वो अपना कॉपी का पन्ना तक नहीं पलट सकती। इसके बावजूद महिमा पढ़ने में बेहद होशियार है। महिमा ने इंटरमीडिएट में 80% मार्क्स लाकर ये दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। महिमा के हौसले बुलंद हैं और आगे बढ़कर वो देश का नाम रोशन करना चाहती है। महिमा ने नीट की परीक्षा दी है और अब जो रिजल्ट आया उसमें उनके 157 अंक आए हैं, जबकि दिव्यांगों को पास होने के लिए सिर्फ 120 नंबर ही चाहिए होते हैं। महिमा ने पहली बार में ही नीट परीक्षा पास कर ली है और अब उसके घर में खुशी का माहौल है। महिमा बरेली की IBRI में वेटनरी की डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती है। बहुत खुशी हो रही है, ऐसा मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा है और ये फीलिंग मतलब आ नहीं सकती, और ये लाइफ टाइम में कुछ ही पल होते हैं जो ये फीलिंग होती है, और ये बच्ची ने हमें इतना प्राउड फील कराया है। बहुत मेहनती बच्चा है, इसने बहुत मेहनत करी, 5 घंटे स्टडीज करी, एक्सरसाइज 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज करती थी, उसके पेनफुल रूटीन के बाद पढ़ाई के लिए समय निकालती थी, और इसकी जो मेहनत थी फलीभूत हो गई। इसके लिए मैं 2-3 लोगों को स्पष्ट रूप से धन्यवाद देता हूँ। एक तो इसकी माता है जिनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरी ईश्वर से यह प्रार्थना है इसको ऐसे ही इसकी जर्नी जैसे सफल करिए आगे। दिव्यांग महिमा ने वो कर दिखाया है जो अच्छे अच्छे नहीं कर सकते। महिमा ने पहली बार में ही नीट की परीक्षा पास की, उसकी माँ ने उसे हमेशा सहारा दिया। महिमा ने जो मुकाम हासिल किया उसमें हमको बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है हमको, क्योंकि महिमा जितनी मेहनती है, जितना मेहनत महिमा करती थी, आज उसने उस चीज को प्राप्त किया है। महिमा का पूरा बिजी शेड्यूल है सुबह से ही, महिमा का सुबह इसका रूटीन करना, फिर पढ़ना। कभी मैं भूल भी जाऊं इसको पढ़ने के लिए बैठाना तो महिमा बोलती थी कि महिमा मम्मा मेरे को बैठा दीजिए, मेरा पढ़ाई का टाइम जा रहा है, अभी फिर एक्सरसाइज का टाइम हो जाएगा। तो पूरा महिमा के साथ हमारा ना एक पूरा शेड्यूल बंधा हुआ है। मैं खुश तो है, महिमा की ये विश पूरी हुई तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। दिव्यांग होने के बावजूद महिमा ने नीट की परीक्षा पास की, उनकी इस मेहनत की तारीफ हर कोई कर रहा है। महिमा भी अपनी इस सफलता पर बेहद खुश है। महिमा के इस हौसले इस जज्बे को देखकर तो यही कहेंगे कि जो लोग सफलता पाने के लिए मेहनत करने की ठान लेते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बरेली से समाचार प्लस के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।